अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां सिमरिया थाना क्षेत्र के बदरी गांव में विगत दिनों घर में अकेली रह रही वृद्ध हीराबती सिंह नाम की महिला का शव उसी के घर के भूसों में दबा मिला था, जिसकी जानकारी उसके परिजनों ने पुलिस को दी थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर साज जुटाया और साइबर की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उक्त मामले में गांव का ही रामलखन आदिवासी शामिल हो सकता है। शंका के आधार पर पुलिस ने आरोपी रामलखन आदिवासी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो आरोपी ने बताया कि वह चोरी की नीयत से घर में घुसा था। इसी दौरान वृद्ध महिला ने उसे देख लिया तो खुलासा होने के डर से उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घर में महिला अकेली रह रही थी, चोरी की नीयत से आरोपी घुसा था और वारदात को अंजाम देने की नीयत से छिपा था। इसी दौरान महिला ने उसे देख लिया तो उसने हत्या कर दिया और सामान लेकर रफू चक्कर हो गया था। आरोपी से सोने चांदी के लूटे हुए जेवर बरामद कर लिए गए हैं। आइए सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक ने क्या जानकारी दी है। गत दिवस आपने देखा था सिमरिया थाना क्षेत्र में एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था। सिमरिया थाना क्षेत्र में जो घटना हुई उसके पश्चात एसडीपी एडिशन एसपी पहुंचे और एफएसएल टीम और फिंगरप्रिंट और साइबर टीम ने पहुँच के वहाँ अपना दिन भर उम्र किया और उसके पश्चात काफ़ी शीघ्रता दिखाते हुए टीम ने इस केस को ट्रेस किया है। पूरा ब्लाइंड मर्डर ट्रेस हुआ है। इसमें आरोपी ने पूरी घटना जो बताई है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ में, वो ये बताई है कि आरोपी रामलखन आदिवासी 25 वर्ष उम्र का है, वो भी पड़ोस के गांव का ही रहने वाला है। जहां भी मकान बन रहे हैं उसमें मजदूरी काम वो करता है। जो महिला जिनके साथ ये घटना हुई, इनके यहाँ भी निर्माण कार्य कुछ दिनों पूर्व सम्पन्न हुआ था, तो 4-5 दिन उसने भी मजदूरी यहाँ पर की थी और उसने इनका घर अच्छे से देख रखा था। अभी जब आरोपी को ये बात पता थी कि महिला अकेली रहती है, तो उसने इनके घर से सामान चुराने की अपनी योजना बनाई और सामान चुराने के क्रम में एक दिन वो शाम को आके घर में एक तरफ छुपकर बैठ गया, परंतु उसको अवसर नहीं मिल पाया ऊपर जाने का, जिस कमरे में महिला की कीमती वस्तुएं रखी थी। जब ये ऊपर पहुंचा और उसने सामान वहां से निकालना शुरू किया, इस दौरान वो महिला भी अपना वहां पर भूसा लेने पहुंच गई। तो जैसे ही महिला ने उनको देखा, तो चूंकि वो 4-5 दिन काम कर चुका था तो परिचित था पूर्व में, तो उन्होंने उस महिला पर हमला करके उनका गला दबा दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना के पश्चात उन्होंने सबसे पहले साफ छुपाने के लिए महिला के शव को भूसे में पूरी तरह से छुपा दिया। अपना जो भी उन्होंने सामान वहाँ से इकट्ठा किया वो लेके बाहर आए और कमरे के बाहर से तार लगा के उनका मोबाइल भी लेके चले गए। हम लोगों ने जब अपनी टीमें गठित की तो हमने प्रत्येक एंगल पर काम किया। घर निर्माण की जानकारी भी हमको मिल चुकी थी, आसपास भी हमें संदेह था एक दो लोगों पर जो पिछले 2 दिन से यहाँ पर नहीं है, और फाइनली हमने जो होमवर्क किया जीरोइंग करते हुए हम लोग पहुँचे, यही व्यक्ति हमारे मुख्य टारगेट पर होना चाहिए, और फिर इसको लगातार फॉलो करती रही हमारी टीम, और अंततः जब इसकी हम लोगों ने राउंड अप किया तो इसने पूरी घटनाक्रम हमको विस्तार से बताया है, जो कि मैंने आपको भी ब्रीफ किया है। अभी आरोपी के कब्जे से जो आप देख रहे हैं जेवरात जो जब्त हुए हैं, जो उस महिला के जेवरात थे वो जब्ती की गई है, और उसने जो मोबाइल था महिला का वो मोबाइल रास्ते में तोड़ के कहीं पर फेंकना बताया है। अभी हमारी टीमें और पूछताछ कर रही हैं, उसको लेके भी जाया जाएगा उन स्थलों पर जहाँ पर वो मोबाइल तोड़ना फेंकना बता रहा है, जिससे कि और एविडेंस कलेक्शन कर सकें हम लोग और अपने इन्वेस्टिगेशन को मजबूती से करके आरोपी को सजा दिला सकें।